हाँ दोस्तों, देखिए एक एड देखिए। ब्रूम नहीं, ब्रूम झाड़ू। अगर स्विगी में आप कुछ भी मंगाते हैं तो आपको क्या मिल सकता है? तो कोई मंगा रहा है, चावल है, सावधानी। सॉरी मैडम। You name it, we'll get it. Swiggy Instamart pe get chawal and more in 10 minutes. तो देखिए, जी हाँ दोस्तों, मैं स्विगी की बात कर रहा था, लेकिन फिलहाल इनका वेबसाइट बंद है, क्लोज्ड है, एंड दैट्स व्हाई ये आपका वेबसाइट का पहला पेज है जो मैंने लिखा था, इसके लिए स्क्रीन को प्रिंट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग आपका फूड से लेके झाड़ू से लेके कुछ भी, चावल से लेके खाने से लेके सब कुछ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग दी आईपीओ। कौन सा आईपीओ? इनका खुद का आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिसका प्राइस बैंड है 371 से लेके 390। फेस वैल्यू 1 है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फेस वैल्यू 10 होने पर अच्छा लगता है। एक लॉट में 38 शेयर लेने होंगे आपको, और एम्प्लॉय जो है उनके लिए 25 रुपीज डिस्काउंट दिया है। 50 रुपीज देते तो और अच्छे लगते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय है बेहद, सबसे वही लोग आपका कंपनी बनाते हैं। और रिटेल 14,820 रुपीज दे के एक लॉट ले सकते हैं, जिसमें 38 शेयर्स रहेंगे। आईपीओ खुलेंगे वेडनेसडे नवंबर 6 को, और फ्राइडे 8 को ये बंद होगा। आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 11 नवंबर को, और लिस्टिंग होगा आपका 13 नवंबर को। ये वाला मेन डेट जो है आपको याद रखने हैं। रिटेल शेयर 10% है, आमतौर पर किसी किसी आईपीओ में 35% रहता है, क्योंकि इसमें 10% इसलिए है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3622 में था, मतलब ये निगेटिव है, लॉस है ये। 4100 अगले साल और भी लॉस हुआ, और उसके बाद 24 तक 2300 लॉस को थोड़ा कम किया, और जून में और कम किया। अभी ये साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक्सपेक्टेड है कि और थोड़ा कम होगा, 1200 के आसपास आएंगे। तो जो भी है, ये निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। इससे पहले जोमेटो ऐसा था, तो आप देख सकते हैं कि ये लॉस मेकिंग कंपनी खाना देके सबको खिला खिला के, सबको डिलीवरी देके आईपीओ लेके आ गए, और हर कोई लेने के लिए रेडी है। मैं इस आईपीओ के लिए उतना उत्साहित नहीं हूं, मैं आपका रीजन बताऊंगा। आईपीओ लाने का रीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडियरी इज गुड सी फॉर रिपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट इन सर्टेन और ऑल ऑफ इट्स बोरोइंग्स। तो जो बोरोइंग्स है उनको पैसा देंगे, जो जो बोरो है उन लोग जो जिसके जिसके उधार लिया है उनका पैसा देंगे ये। और कंपनी का अगर आप देखना चाहे, ऑफिस बेंगलुरु में है, देखते हैं कितना रुपया ये लोग ये कर रहे हैं। फ्रेश इशू है आपका 4799, मतलब 4500 ये लोग ये कंपनी को मिलेंगे, और 6800 करोड़ जिसने इसमें पैसा लगाया है उनको मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना दोस्तों। मतलब इसमें प्रेस इशू भी है, 4500 इनको मिल जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो डेप्ट है वो डेप्ट चुकता हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस भी निगेटिव है दोस्तों, क्या बताएं। इससे पहले मैंने ओला में लिया था, वो भी नेगेटिव मेकिंग था, उसका जो अभी हालत है बहुत ही खराब है। तो लिस्टिंग में बिल्कुल ही मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मैं इसको पहले देखूंगा कि कैसा परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद ही मैं इसमें एंट्री लूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। सबसे वो नेगेटिव ही इसका ये है, कैश फ्लो है, मतलब कोई प्रॉफिट है ही नहीं।
दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो लाऊं तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।